It's time to experience some competitive gamified contest for date till date with the best of the questions by best educators with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. ये फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग यस सो आई होप आप सब अच्छे होगे अंदरुष्ट होगे आपकी फैमिली भी मस्त होगी और मेरे दोस्त पढ़ाई के लिए हम आपके लिए जिम्मेदार हैं एंड वी आर ट्राइंग अ बेस्ट टू गिव द बेस्ट कंटेंट फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया मतलब इंडिया में जो आपका बेस्ट कंटेंट अगर मैं मानता हूं तो मैं चाहता हूं कि आई विल ट्राई मैं ये नहीं बोलता कि मैं बेस्ट हूं या हमारी टीम बेस्ट है बट वी आर ट्राइंग टू बी द बेस्ट टू गिव यू ऑल द बेस्ट कंटेंट विच इज पॉसिबल फ्रॉम आर साइड राइट लेकिन बस दोस्त आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत करते रहो प्रयत्न करते रहो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है लेकिन आपकी काम कोशिश करना और एक सच्चा स्टूडेंट वही होता है जो कोशिश करते रहता है रिजल्ट उसको जरूर मिलता है राइट right? सो so, मेरे दोस्त वी आर स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ मैटी नंबर थर्टी फोर और मेरे दोस्त आज हम बेंडिंग कंप्लीट कर रहे होंगे राइट तो एक टॉपिक बचा हुआ है खत्म कर रहे होंगे प्रोसीडिंग लेटमी टेल यू अबाउट माई सेल्फ क्योंकि बहुत बच्चे नए जुड़ते हैं पर डे राइट माई सेल्फ विशेख भारेड ऑफ दिस चैनल एंड माई डियर फ्रेंड टीचिंग दिस फील्ड इन फाइव इन और मेरे दोस्त ये सात सब्जेक्ट है

Right. So, राइट तो मेरे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइव क्लासेस जो आपको मिलती है टेस्ट डाउट सॉल्विंग सेशन आर देर हर चौदह दिन आपका डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा क्लासेस विल बी अवेलेबल बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड माई देर इज अ रैंक इंप्रूवमेंट बैच यू कैन प्रैक्टिस एन नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट लेकिन मेरे दोस्त अगर आप आइकॉनिक प्लान करते हो तो प्लस के तो सारे एडवांटेज मिलते हैं राइट लेकिन पर्सनल कोच दिया जाता है sessions, session, जो भी आप टेस्ट लिख रहे हो उसके एनालिसिस राइट देयर आफ्टर प्रॉपर स्टडी मैटेयल एंड माई डियर फ्रेंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्शन मिलता है है ना और अभी आपका ट्वेंटी सेकेंड फेब को टेक्निकल का

आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता क्या है अप्लाई क्यों करते हैं यही नहीं पता और जब तुमको पढ़ाएंगे ना तुम, पढ़ाएं तुम बोलो, सर मजा आ गया मजा आ गया यस 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 डियर फ्रेंड्स ओके ओके येस। आग लगी रहनी चाहिए मेरे दोस्त आग बुझनी नहीं चाहिए है ना आप किसी भी फेज में हो आग उस लेवल पे लगी होनी चाहिए कि आप भाई तहस नहस कर दो वो मूवी देखा था ना कि मैं सिगरेट नहीं पीता लेकिन फिर भी जेब में लाइटर लेके चलता हूं राइट क्योंकि मैं दम रखता हूं कि पूरी दुनिया को आग लगा सको जिस दिन मौका मिले राइट तो वो दम अपने अंदर रखना है वो दम अपने अंदर रखना है राइट ये दम बेटा जीएस आएगा बस वेट कर लो बस हम लॉन्च ही करने वाले वेट कर लो बस ठीक है चलो मेरे दोस्तों कल हम लोग पढ़े क्या क्या थे कल हमने क्या देखा था कल हमने देखा था अबाउट मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी वी हैव सीन अबाउट मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी यस हमने देखा था

पैराबोलिकली तो ये सब हमने देखा था ये सब हमने देखा था राइट 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 ओके ओके चलो चलो मेरे दोस्त आई थिंक आप लोग का एग्जाम खत्म हुआ लग रहा है इसलिए आज थोड़ा बच्चा बढ़ गया है <laughs> नहीं तो ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो गया सेशन में <laughs> चलो कोई बात नहीं तो पटाफट पड़ शेयर करते चलना मेरे दोस्त बड़ा अजीब लगा आप लोग इतना दिन नहीं थे बड़ा अजीब लगा ऐसा लग रहा था पता नहीं किनको पढ़ा रहा हूं ऐसा लग रहा था भाई पता नहीं मतलब वो एनर्जी खत्म हो गई थी पढ़ाने की ऐसा लग रहा था भाई क्यों पढ़ा रहे हैं मतलब वो फीलिंग आने लग गई थी समझ रहे हो है? चलो ओके okay. चलो 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 राइट right. तो ये फ्लिच बीम क्या है वट इज अ फ्लिच बीम कोई बता सकता है वट इज अ फ्लिच बीम फ्लिच बीम होता क्या है वट इज अ फ्लिच बीम यस वीम फ्लिच बीम का मतलब क्या है द बीम वेयर द क्रॉस सेक्शन इज मेडअप ऑफ डिफरेंट मैटेरियल्स एकदम बेसिक से समझाते हैं एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट समझ में आएगा बीम बीम क्रॉस सेक्शन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मैटेरियल्स अप ऑफ डिफरेंट मैटेरियल्स भाई डिफरेंट मैटेरियल का नीड क्यों पड़ा अब ये समझाते हैं उस क्रॉस सेक्शन इज मेडअप ऑफ डिफरेंट

हम जानते हैं मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू इज इक्वल टू सिग्मा मैथ्स इंटू जेड बोलो हाँ या ना मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंटू सेक्शन मॉड्यूलस बोलो हाँ या ना हमने ये चीज देखा हुआ है हमने ये चीज देखा हुआ है यस yes, हमने ये चीज देखा हुआ है अब देखी मेरे दोस्त अब देखो मेरे दोस्त अब बहुत मजा आने वाला है मेरी गारंटी इससे पहले तक तुम ये चीज नहीं पड़े हो इट्स माय गारंटी देखना आप लोग ध्यान से अब मेरा बच्चा अब मेरा बच्चा यह ध्यान दे अगर मान लो सिंपली सपोर्टेड बीम और ये लेंथ एल है और इस पे अगर हम मान लो यूडीएल लगाए हैं तो व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम यस, व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बीम पे कितना होगा प्रॉपर्टी आपका मैटेरियलियल की करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस मैटी की प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ है ना सिग्मा मैथ इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल राइट और जेड अगर मान लो हम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं तो ये बी इंटू डी है ना तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व बीडी क्यूब बाई ट्वेल्व बोलो हा दिस इज बी डी क्यूब बाई ट्वेल्व भाई बहुत मजा आने वाला है बहुत मजा आने वाला है इससे पहले तुम सोच नहीं हो अच्छा है इसलिए यूज होता है क्या देखो यहां पे सब लोग मेरे दोस्त अगर मान लो तुम्हारा मैटेरियल वही है मैटेरियल इज सेम मैटेरियल इज सेम ठीक है लेंथ ऑफ बीम इज सेम लेंथ ऑफ बीम इज सेम राइट लेंथ ऑफ बीम इज सेम इफ आई एम इंक्रीजिंग डब्लू अगर हम डब्लू बढ़ाएंगे मेरे दोस्त अगर हम W बढ़ाएंगे तो क्या मेरा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा क्या क्या मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा क्या क्या मेरा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा क्या अरे अरे सॉरी 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 एक मिनट एक मिनट रुको भाई एक गलती है यहां पर यह वैल्यू बीडी स्क्वायर में सिक्स है सॉरी मेरे दोस्त हाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा क्या बोलो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट बढ़ेगा क्या यस yes. यस yes. बढ़ेगा अब अगर मेरे दोस्त अगर ये बढ़ा मैटेरियल सेम है ठीक है तो आपको क्या करना होगा जेड को बढ़ाना पड़ेगा आपको जेड को बढ़ाना पड़ेगा बोलो हाँ या ना? आपको जेड को बढ़ाना पड़ेगा अस से लेट अस से विड्थ नहीं बढ़ा रहे हो ज्यादा नहीं बढ़ा रहे हो एक कॉन्स्टेंट मान लिए तो अगर जेड बढ़ा मतलब डी को बढ़ाना पड़ेगा अगर जेड को बढ़ाना पड़ा मतलब डी को बढ़ाना पड़ेगा यहां पे हम क्या बोले बी बीज कॉन्स्टेंट इज कॉन्स्टेंट ठीक है मेरे दोस्त ये पॉइंट समझ में आया ये पॉइंट समझ में आया सबको एकदम मेरे दोस्त आप अगर यूडीएल लगाते हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूरे बीम पे WL स्क्वायर बाय 8 आएगा है ना राइट अब देखो यहां पे अब आप देखो यहां पे मेरे दोस्त आपको क्या दिखा आपको क्या दिखा दिस पैरामीटर कांस्टेंट अगर हमने W बढ़ाया तो D को बढ़ाना पड़ गया अगर हमने W बढ़ाया तो D को बढ़ाना पड़ गया तो क्या हम D को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्या हम डी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं सपोज हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करना है जिसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए इसका मतलब डी का बहुत ज्यादा होना चाहिए क्या क्या डी बहुत ज्यादा होना चाहिए क्या बोलो तो क्या डी बहुत ज्यादा होना चाहिए टेल टेल मी मी टेल मी फर्स्ट क्या डी बहुत ज्यादा होना चाहिए नहीं डी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि मान लो आप यहां पे और बीम आपका इसके नीचे लटक रहा है यहां पे अच्छा लगेगा क्या उस रूम में तुम एंटर भी करोगे क्या या मान लो यहाँ नहीं है इसके थोड़ा ऊपर है लेकिन ज्यादा ऊपर तो है नहीं तो अजीब लगेगा ना एस्थेटिक अच्छा नहीं लगेगा ना बोलो हाँ या ना आप बना तो सत्य हो लेकिन उसका एस्थेटिक अपीयरेंस अच्छा नहीं लगेगा बात मानते हो कि नहीं इट्स अपीयरेंस विल नॉट लुक गुड इज इट क्लियर सो सो क्या लिख रहे हैं सिंस Since D cannot be increased, since D cannot be increased, beyond a limit, beyond a limit, beyond a limit. Flinch beam is used. Flinch beam is used. Is used. Flinch beam is used. A flinch beam kasa use oga. फ्लिच बीम कैसा यूज होगा देखो फ्लिच बीम यूज होता है देखो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए एक लिमिट है मान लो मेरे दोस्त आपके पास एक लिमिट है मान लो मेरे दोस्त आपके पास एक लिमिट है यू हैव अ लिमिट कि भाई मेरे ये तुम्हारा मैक्सिमम साइज हो सकता है किसी बीम का ये तुम्हारा मैक्सिमम साइज मान लो एक वुड का बना हुआ है तो ये तुम्हारा मैक्सिमम साइज है जो एक मैं एक पर्टलर टाइप ऑफ मटेरियल का बन सकता है लेकिन मेरे दोस्त इसका मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी उतना नहीं बन रहा है फॉर दिस मटेरियल सपोज इसके कारण जो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आया दैट इज सिग्मा बी डी स्क्वायर इस सेक्शन के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आया लेकिन मेरे दोस्त आपको जो मोमेंट लगाना है आपको जो मोमेंट अप्लाई करना है जिसके लिए आपको डिजाइन करना है दैट इज ग्रेटर देन एम जो आपको डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है जो आपका डिजाइन बेंडिंग मोमेंट है डेट इज ग्रेटर देन एम तो मेरे दोस्त अब तो ये लिमिटिंग डायमेंशन है मेरे दोस्त अब तो ये लिमिटिंग डायमेंशन है बोलो हाँ या ना मेरे दोस्त अब तो ये लिमिटिंग डायमेंशन है तो अगर ये लिमिटिंग डायमेंशन है तो अब क्या तुम और वुड अप्लाई कर सकते हो क्या तुम और वुड अप्लाई कर सकते हो बोलो कैन यू अप्लाई मोर वुड कैन यू अप्लाई मोर वुड नहीं कर सकते क्यों क्योंकि यह इसका लिमिटिंग डायमेंशन है मैटीरियलिंग स्ट्रेस गिवेन है तो भाई मेरे इसका मोमेंट कैरिंगल इस के लिए इससे नहीं होगा है ना तो प्रॉब्लम क्या हुआ आपको जो डिजाइन करना है वो इससे ज्यादा के लिए डिजाइन करना है ठीक है बात समझ में आया आपको जो डिजाइन करना है इससे ज्यादा के लिए डिजाइन करना है इज इट क्लियर तो हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं फ्लिंचेस to लगाते हैं फ्लिंचेस क्या होता है स्ट्रॉन्गर मटेरियल होता है फ्लिंचेस क्या होगा स्ट्रॉन्गर मटेरियल होगा अब स्ट्रॉन्गर मटेरियल का फायदा क्या उसका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल का फायदा क्या उसका मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ज्यादा तो एक हम लगा सकते हैं टॉप या सिर्फ टॉप या टॉप एंड बॉटम एक तरीका यह है यह क्या है फ्लिंचेस दीज आर व्हाट फ्लिंचेस फिलिंच आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉगर मैटीरियल फ्लिंच ऑफ स्ट्रॉगर मैटेयल अब इसका फायदा क्या अगर स्ट्रॉन्गर मैटेरियल लो ग तो कम डायमेंशन में ज्यादा कम डायमेंशन में ज्यादा मोवमेंट कारिंग कैपेसिटी का देगा कम डायमेंशन में ज्यादा मोवमेंट कारिंग कैपेसिटी का देगा बोलो हा या ना मान लो मेरे दोस्त मान लो आप बोल रहे हो कि आपको जो फ्लिंच लगाना है वो एम वन माइनस एम के लिए लगाना है समझना बहुत ध्यान से आपको जो फ्लिंच लगाना है वो एम वन माइनस एम के लिए लगाना है ठीक है तो अगेन ये किस पे डिपेंड करेगा सिग्मा मैथ्स इन टू से अगर डायमेंशन बी और टी है तो बी टी स्क्वायर बाई सिक्स अगेन मान लो बी कॉन्स्टेंट है तो अगर आपको इसके लिए डिजाइन करना है अगर सिग्मा मैथ्स ज्यादा है अगर सिग्मा मैथ्स ज्यादा है तो टी कम होगा तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा अगर सिग्मा मैथ ज्यादा है तो टी कम होगा तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो यस yes. चलेगा मैं रिपीट करूंगा सब चीज पहले सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि एम सिग्मा बराबर इंटू बी डी स्क्वायर बाई सिक्स ये इसकी कैपेसिटी थी ये इस वुड क्रॉस सेक्शन की कैपेसिटी थी ठीक है लेकिन मेरे दोस्त हमने क्या बोला कि भाई हमको ज्यादा मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी चाहिए आई वॉन्ट टू इंक्रीज द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी तो अगर मेरे को मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाना है तो हमको स्ट्रॉगर लगाना पड़ेगा जिसको हम क्या रहे? बोल रहे हैं हैं फ्लिंच फ्लिंच बोल रहे ये जो आप लगाओगे जो एक्स्ट्रा मोमेंट है उसको एकोमोडेट करने के लिए लगाओगे मतलब हम बोल रहे हैं एम डिजाइन माइनस वन एम डिजाइन और आपका ये बुट के लिए एम है तो एम डिजाइन एम डिजाइन माइनस एम आपको इसके लिए प्रिंसेस को अप्लाई करना है ठीक है मेरे दोस्त अब हम अगला क्या बोले अगर तुम स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉगर अप्लाई करते हो तो सिग्मा मैथ्स ज्यादा होगा अगर सिग्मा मैथ्स ज्यादा होगा तो तुमको थिकनेस कम अप्लाई करना पड़ेगा बोलो हा या ना अगर सिग्मा मैथ्स ज्यादा होगा तो तुमको थिकनेस कम अप्लाई करना पड़ेगा सोच के देखो विथ कॉन्स्टेंट है इज इज यस तो मेरे दोस्त हम अगर उसी सिग्मा मैथ्स को अप्लाई कर दिए तो फायदा नहीं है वही सिग्मा मैथ्स अप्लाई कर दिए तो फायदा नहीं है ज्यादा अप्लाई करेंगे तभी तो थिकनेस को कम कर पाएंगे वरना फायदा क्या हो वरना तो उतना अप्लाई कर ही दिया इज 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 इट इट क्लियर क्लियर दिस पॉइंट बोलो मेरे दोस्त यस क्लियर टू ऑल राइट तो ये आपका पॉइंट पड़ा अब कुछ बच्चे बोल बोलने से पुराना रिपीट कर दो तो मेरे दोस्त जरूरत क्यों पड़ा जरूरत क्यों पड़ा क्योंकि देखो ऐसा क्यों है कि डेप्थ को एक लिमिटिंग वैल्यू दिया है कि डेप्थ ऐसा नहीं हो सकता वन मीटर टू मीटर क्यों नहीं हो सकता क्योंकि एक एस्थेटिक अपीयरेंस नहीं देगा अब अब मैंने क्या बोला इज अ लिमिटेशन भाई वो मान लो कि तुमको मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा चाहिए अब डेप्थ बहुत बढ़ा दिए तो मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी तो बढ़ जाएगा लेकिन आप यह बताओ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के कारण क्या आपने उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का एस्थेटिक अपीयरेंस खराब नहीं कर दिया उस स्ट्रक्चर को देखने का अपियरेंस खराब नहीं कर दिया बोलो हाँ या ना यस और नो मी यस और नो समझ में आया तो इसी कारण से आप अप्लाई करते हो एट 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 द द द टॉप टॉप बॉटम और बोथ एंड बॉटम ये पहला केस है ये पहला केस है समझ में आया समझ में आया राइट ये पहला केस है दूसरा केस क्या हो सकता है दूसरा केस क्या हो सकता है फ्लिंस हम अप्लाई करेंगे दूसरा केस क्या हो सकता है कि फ्लिंचज हम अप्लाई करेंगे एट द साइट दूसरा केस यह है आई विल अप्लाई द फ्लिंस आई विल अप्लाई द एट द आई विल अप्लाई द एट द फ्रिंच आपका वुड है यह आपका वुड है फ्रिंचज आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्गर मैटेरियल इज इट क्लियर इज इट क्लियर बोलो मेरे दोस्त ये पॉइंट सबको समझ में आया ये पॉइंट सबको समझ में आया अरे बोलो रे बाबा यस और नो यस और नो राइट तो क्या बोल रहे हम टू इंक्रीज द टू इंक्रीज द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी टू इंक्रीज द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर

फ्लिंचज ऑफ स्ट्रेंथ ग्रेटर दैन ग्रेटर दैन द ओरिजिनल मैटेरियल ओरिजिनल मैटरियल इज अप्लाइड एट द क्रॉस सेक्शन इज एप्लाइड एट द क्रॉस सेक्शन आइदर एट द टॉप एंड बॉटम आइदर एट द टॉप एंड बॉटम आइदर एट द टॉप एंड बॉटम और एट द साइड्स, और एट द साइड्स, इज इट क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी वन बोलो मेरे दोस्त ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ यस और नो मजा आया कि नहीं आया ये मजा आया कि नहीं आया आप बताओ सर साइड से कैसे लगाएंगे फील नहीं आ रहा भाई मेरे साइड से लगाने क्या है आपको हुक लेके कनेक्ट कर दो हुक लेके कनेक्ट कर दो कनेक्ट हो गया उसमें कौन सी बड़ी बात है लेके कनेक्ट कर दो उसमें कौन सा प्रॉब्लम है जैसे ऊपर से कनेक्ट करोगे वैसे ही साइड से कनेक्ट करोगे आप अगर इससे कर क्या रहे हो आप एक्चुअली मैटेरियल बढ़ा रहे हो और मैटेरियल बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा मैटेरियल बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा इज इट क्लियर नीलेष इज इट क्लियर नीलेष बोलो भाई मजा आया ऐसे पहले कभी पढ़ा है कॉन्सेप्ट यह सर है, ऐसे पहले कभी कॉन्सेप्ट पड़ा फ्रिज बीम बस दो मैटीरियल का बनता है मोर देन टू मैटीरियल वाई ये कोई नहीं बताता ये कोई नहीं बताता अरे बता रहे सब बता रहे सब बता रहे अर्जुन भाई सब बता रहे आगे हम बात करते हैं आगे हम बात कर रहे बेसिक बताए मेरे दोस्त अभी तो बहुत कुछ बताना है इसमें अभी तो बेसिक बताया अभी तो बहुत कुछ बताना है आज तो पूरा क्लास इसी पे है आज तो पूरा क्लास इसी पे है तो आप समझो अगर हम डेढ़ घंटा या पौने दो घंटा टॉपिक पढ़ा रहे हैं मतलब उसे बहुत कुछ कराएंगे राइट चलो इज इट क्लियर टू ऑल चलिए देखिए अब नाउ आई डियर फ्रेंड्स केस नंबर वन वेन फ्लिंचेस

तो अब मेरे दोस्त हम ले रहे हैं कि जो मेरा पहला मैटेरियल है जो मेरा पहला मैटेरियल है दैट इज अ वुड ऑफ विथ बी ऑफ विथ बी एंड डी विथ बी एंड डेप्थ डी ठीक है अब देखो मेरे दोस्त अब देखो मेरे दोस्त ये देखो हमने क्या किया स्टील फिंचेस लगाया हमने क्या किया हमने क्या किया हमने क्या किया वी हैव अप्लाइड द स्टील फ्लिंचेस वी हैव अप्लाइड द स्टील फ्लिंचेस ठीक है वी हैव अप्लाइड द स्टील फ्लिंचेस इज इट क्लियर लेट अस से विथ बी कोई जरूरी नहीं है सेम हो अलग भी हो सकता है हम क्वेश्चन करवाएंगे टेंशन मत लेना और यहां भी लगा दिया विड्थ बी थिकनेस टी और ये वाला जो मैटेरियल है दिस इज योर स्टील ये वाला जो मैटेरियल है दिस इज योर स्टील राइट दिस इज योर स्टील ये जो दूसरा मैटेरियल है ये आपका स्टील होगा नेक्स्ट मैराथन कब होगा बेटा अब तो मैराथन का फॉर्म चल ही नहीं रहा है हमने बेस्ट कर दिया कि हर टॉपिक का रिवीजन करा देंगे टॉपिक खत्म होगा उसका रिवीजन करा देंगे ठीक है जिससे क्या होगा तुम्हारा तो पूरा कॉन्सेप्ट एक बार में रिवाइज हो जाएगा बेस्ट अप्रोच टू रिवाइज सबसे कम समय में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने का इससे अच्छा तरीका नहीं होगा देखो अब यहां पे, देखो अब यहां पे। तो मेरे दोस्त अगर हम वुड के लिए बोल रहे हैं ई e वुड और स्टील के लिए बोल रहे हैं ई स्टील राइट तो मेरे दोस्त सी बात है अगर हमने स्ट्रॉन्गर मटेरियल लगाया है तो ई स्टील ई वुड से ज्यादा होगा यस नो ई स्टील ई वुड से ज्यादा होगा और अगर ई स्टील ई वुड से ज्यादा है मेरे दोस्त तो यहां पे टर्म डिफाइन होता है यहां पर टर्म डिफाइन होता है दैट इज मॉड्यूलर रेशियो मॉड्यूलर रेशियो जहां पे स्ट्रॉन्गर बाई वीकर आप लेते हो स्ट्रॉन्गर बाई वीकर आप लिखते हो यस स्ट्रॉन्गर बाई वीकर लिखते हो एंड दिस रेशियो विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन वन ये चीज आप आरसीसी में भी पढ़ते हो यस yes, ये चीज आप आरसीसी में भी पढ़ते हो दिस यू ऑल्सो स्टडी इन द आरसी दिस यू ऑल्सो स्टडी इन द आरसी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते बोलो मेरे दोस्त यस दिस यू ऑल्सो स्टडी इन दर सी सी राइट तो अब मेरे दोस्त प्लीज एव यू फोकस यर बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये नहीं समझ में आया सब बेकार है प्लीज एव यू फोकस तो मेरे दोस्त ये क्रॉस सेक्शन है ये क्रॉस सेक्शन है ये लेंथ पे बात नहीं हो रहा है this is at a cross section so my dear friends my dear friend just observe here just observe here just observe here everyone स्ट्रेट लाइन बनाना बड़ा मुश्किल है स्ट्रेट लाइन बनाना बोर्ड पे बड़ा मुश्किल है। देखो यहां पे बहुत ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ध्यान से समझना बहुत ध्यान से समझना मेरे दोस्त अगर हम बोल रहे हैं कि ये मेरा न्यूट्रल सेइंग दैट दिस इज माय न्यूट्रल एक्सिस इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज माय न्यूट्रल एक्सिस इफ आई एम सेइंग दैट दिस इज माय न्यूट्रल एक्सिस ठीक है हमारा न्यूट्रल है, ठीक है अब मेरे दोस्त जस्ट ऑब्जर्व अगर हमको यहां पे स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हुआ अगर हमको यहां पे स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बनाना हुआ तो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग बोलो हाया ना स्ट्रेन कहां से आया प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग वो किसी और चीज पे तो डिपेंड करेगा नहीं आप लोड लगाए मटेरियल बेंड किया और जब वो बेंड किया तो उसको नहीं मतलब है वो स्टील है या वुड है बोलो हाँ या ना ये तो पूरा एक वन यूनिट है तो जब ये बेंड करेगा इट विल बेंड एज अ वन यूनिट बोलो यार इट विल बेंड एज अ वन यूनिट करेगा या नहीं करेगा इट विल बेंड एज अ वन यूनिट तो अगर आप थ्रू आउट के लिए स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो अगर आप थ्रू आउट के लिए स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो मेरे दोस्त तो यहां पे क्या पाओगे यहां पे क्या पाओगे यू विल फाइंड दैट यू विल फाइंड दैट द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन यू विल फाइंड दैट स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर वाई लीनियर वाई लीनियर बिकॉज स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैटेरियल स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैटेरियल टेल बी येस नो टेल बी ये नो बोलो यार्लियर टू स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैटी एट द एक्सट्रीम सरफेस आपका मैक्सिम होगा राइट एफसम मैक्सिम मान लो नीचे में क्या है टेंशन है यहां पर क्या है जंक्शन पे एफसाइलन टी लिख रहे हैं यहां पर हम लिख रहे हैं एफसाइलन सी और यह हो गया एफसाइलन कंप्रेशन मैथ्स ये हो गया आपका कंप्रेशन एफ दीज आर द स्ट्रेन दीज आर द स्ट्रेन एट द जंक्शन एंड एट द एच ठीक है मेरे दोस्त तो ये चीज मेरे को मिला कहां से ये चीज मेरे को मिला कहां से फ्रॉम द स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन जहां से बोलता है प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग वहां से हमने ये लीनियर वेरिएशन निकाला है इज इट क्लियर टू एवरी वन फटाफट धम्सअप दे दो अगर एक क्लियर है तो फटाफट धमसअप दे दो अगर ये क्लियर है तो फटाफट धमसअप दे दो इफ इट इज क्लियर टू ऑल फटाफट धमसअप दे दो इफ इट इज क्लियर टू ऑल क्लियर है सबको तो अगर क्लियर है मेरे दोस्त इफ इट इज क्लियर टू एवरी वन इफ इट इज क्लियर टू एवरी वन तो अब देखो मुझे बनाना है स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर बनाना है तो मेरे दोस्त हम क्या जानते हैं सिग्मा बराबर सुनना बहुत ध्यान से सिग्मा बराबर है इंटू e एबसाइलन जानते हैं क्या हम लोग सिग्मा बराबर ई इंटू एबसाइल बोलो जानते हैं क्या हम लोग e लो? मतलब अगर हम वुड के लिए बात करें जहां पे एक मैटेरियल है ठीक है अगर हम सिर्फ वुड में है अगर हम सिर्फ वुड में है इफ आई एम इन द वुड रीजन अगर हम वुड रीजन में हैं तो क्या हम तो क्या हम डायग्राम ऐसा कुछ बना सकते सिर्फ वुड के लिए सिर्फ वुड के लिए राइट right? वुड में ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो वुड में ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो राइट right? ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो दिस इज व्हाट ई वुड इनटू एव कंप्रेशन ये जो वैल्यू तुम देख रहे हो दिस इज ई वुड इनटू एव टेंशन बोलो हा या ना बोलो होगा या नहीं होगा ये पूरे के लिए बनाए मेरे दोस्त ये पूरे के लिए बनाए मैंने यही बात बोला कि स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैटेरियल हम पूरे के लिए बनाए हैं हम पूरे के लिए बनाए हैं सिर्फ हम एक पार्ट के लिए नहीं बनाए मेरे दोस्त सिर्फ हम एक पार्ट के लिए नहीं बनाए हैं इज इट क्लियर उसके बाद लेकिन जब स्ट्रेस बनाओगे तो स्ट्रेस को मैटेरियल पर डिपेंड कर रहा है स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द मैटेरियल वो सिर्फ स्ट्रेन पर डिपेंड नहीं कर रहा है स्ट्रेस बराबर ई इन एफ सेवन लिख रहे हैं तो अब हम देखो क्या बोले सबसे पहले हम वुड के लिए बना लिए इज इट क्लियर सबसे पहले हम वुड के लिए बना लिए नाउ डियर फ्रेंड जैसे मैं वुड से स्टील में जाऊंगा जंक्शन पे जैसे मैं वुड से स्टील में जाऊंगा बेटा प्लस पे मैं ऑलरेडी सॉम्ब पढ़ा रहा हूं प्लस पे मैं ऑलरेडी सॉम्ब पढ़ा रहा हूं बेंडिंग चैप्टर वहां भी शुरू हो गया है बेंडिंग चैप्टर वहां भी शुरू हो गया यहां पर ध्यान दो राइट तो मेरे दोस्त ये आपका ई वुड प्लीज एवरी वन फोकस प्लीज एवरी वन फोकस तो वुड पे जंक्शन पे आपको ये स्ट्रेस होगा वुड के जंक्शन पे ये स्ट्रेस होगा और आपको नहीं लगता ये ये वुड वुड के के लिए के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस होगा आपको नहीं लगता ये वुड के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस होगा बोलो हाँ या ना बोलो मेरे दोस्त आपको नहीं लगता ये वुड के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस होगा कमॉन मी फास्ट कमॉन मी फास्ट यस और नो कम मी फास्ट यस और नो होगा या नहीं होगा भाई मेरे ये पूरा बुट था ये स्ट्रेस डायग्राम पूरे करोगे तो मैक्सिमम हो गया एक्सट्रीम पे बात करोगे तो मैक्सिमम हो गया कमन टेनमी टेल मी यस एकदम अब आप गए हो वुड से स्टील में आप गए हो से स्टील में स्ट्रेन तो वही है एट दिस जंक्शन स्ट्रेन इज सेम तो स्ट्रेन इज सेम आप वुड से स्टील में गए तो स्टील में स्ट्रेस बढ़ गया या कम हो गया आप वुड से स्टील में गए स्टील में स्ट्रेस बढ़ गया या कम हो गया टेल मी फर्स्ट, यस वुड से आप स्टील में गए तो स्टील में स्ट्रेस बढ़ गया या कम हो गया कमॉन टेल मी फर्स्ट गुड इवनिंग सर सॉरी फॉर इंटरप्टिंग बट आई जस्ट कम यर टू पुट अ वर्ड ऑफ एप्रिशिएशन फॉर यू इमर्जिंग वर्क एंड कंटेंट इन द टीचिंग स्किल फॉर जियोटे सॉम और टॉस्ट थैंक यू डियर फ्रेंड थैंक यू बेटा यस बोलो मेरे दोस्त बढ़ जाएगा और अगर बढ़ेगा तो वो सडन बढ़ेगा या ग्रेजुअल बढ़ेगा अगर बढ़ेगा तो वो सडन बढ़ेगा या ग्रेजुअल बढ़ेगा बोलो वो सडन बढ़ेगा या ग्रेजुअल बढ़ेगा वो सडन बढ़ेगा या ग्रेजुअल बढ़ेगा वो सडन बढ़ेगा या ग्रेजुअल बढ़ेगा सब बोल रहा है सडन बढ़ेगा भाई जस्ट अबव जस्ट बिलो एक में स्ट्रेस कम एक में स्ट्रेस ज्यादा तो सडन चेंज है सडन चेंज है दैट इज अ सडन चेंज दैट इज अ सडन चेंज इज इट क्लियर दैट इज अ सडन चेंज तो ये सडन चेंज क्या हुआ ये सडन चेंज क्या हुआ ई e स्टील टू एबसाइलेंटी इन इंटू एबसाइलेंटी सिमिलरली यह सडन चेंज क्या हुआ ई स्टील इंटू एब साइलेंसी बोलो हाया ना हुआ क्या हुआ क्या बोलो तो देर इज अडन चेंज देर इज अडन चेंज है ना देर इज अडन चेंज एकदम मेरे दोस्त नाव नाव अब तुम ऊपर जा रहे हो मेटेरियल सेम है अब तुम ऊपर जा रहे हो मेटीरियल सेम है आपका ई कॉन्स्टेंट हो गया एबसाइल बढ़ता जा रहा है बढ़ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है है तो भाई मेरे स्ट्रेस भी लीनियर बढ़ेगा स्ट्रेस भी लीनियर बढ़ेगा बोलो या ना अरे बोलो या ना अरे बोलो या ना होगा या नहीं होगा होगा या नहीं होगा मेरे दोस्त एकदम होगा अब अगर ये होगा तो यहां पे क्या हुआ स्टील इंटू एव साइलेंट कंप्रेशन मैथ्स बोलो हा या ना ई स्टील इंटू एव साइलेंट कंप्रेशन मैथ्स और यह क्या हो जाएगा ई स्टील इंटू एव साइलेंट टेंशन मैथ्स इज इट क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी वन बोलो मेरे दोस्त ये क्लियर है सबको ये क्लियर है सबको यस yes? तो अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो लुक एट द डायग्राम नाउ लुक ट द डायग्राम ना बहुत मस्त डायग्राम एकदम फीलिंग वाला डायग्राम है मेरे दोस्त एकदम फीलिंग वाला डायग्राम है जस्ट देखते चलो यहां मैं पहले बोला ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है ये मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं लेकिन मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूं बहुत स्लोली समझा रहा हूं ठीक है तो वुड में मैक्सिमम कंप्रेशन मैक्सिमम स्ट्रेस आया ई वुड इनटू एबसैलेंट कंप्रेशन ई वुड इनटू एबसैलेंट टेंशन अब मेरे दोस्त अब मेरे दोस्त देखो यहां पे क्या मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा स्टील मैक्स बिकॉज दिस अ मैक्सिमम स्ट्रेस जो स्टील में डेवलप हो रहा है एंड दैट इज यहां पे आप लिख दो सिमेट्रिकल है कोई फर्क नहीं पड़ता और ये हो जाएगा सिग्मा स्टील इसको सिर्फ लिख रहे हैं सिग्मा स्टील उसको सिर्फ लिख रहे हैं सिग्मा स्टील ठीक है उसको हम सिर्फ लिख रहे हैं सिग्मा स्टील सिमिलरली ये वाला सिग्मा स्टील दिस इज सिग्मा स्टील और ये हो जाएगा आपका सिग्मा स्टील मैथ्स वो बात अलग है ये आपका किसमें है टेंशन में है ये आपका किसमें है कंप्रेशन में है ये आपका किसमें है कंप्रेशन में है और ये आपका किसमें है टेंशन में इज इट क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी वन बोलो मेरे दोस्त एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं कोई टेंशन नहीं सुनो ध्यान से प्लीज सुन लो ध्यान से कोई प्रॉब्लम नहीं सुन लो ध्यान से कोई प्रॉब्लम नहीं है सुन ऊपर प्लीज एवरी वन लिसन मेरे दोस्त मैंने आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोला मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट बोला कि भाई मेरे जब आप स्ट्रेन वेरिएशन बनाते हो तो स्ट्रेन वेरिएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मैटेरियल क्या मैटेरियल यूज हुआ है इससे हमको कोई मतलब नहीं होता क्यों क्योंकि सीधे बोलता है भाई प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग और यहां से तुम्हारा ये डिस्ट्रीब्यूशन आया हाँ या ना तो इसको क्या मतलब है कौन मैटेल है नहीं है तो थ्रू आउट द डेप्थ वो वेरिएशन लीनियर होगा ये बात समझ में आ गया थ्रू आउट द डेप्थ वेरिएशन विल बी लीनियर तो हमने वो बना दिया ठीक है हा लेकिन जब ये बनाया तो हमने मैक्सिमम स्ट्रेस और जंक्शन वाला स्ट्रेस नोट कर लिया जब हमने ये बनाया तो मैक्सिमम स्ट्रेस और जंक्शन वाला स्ट्रेस नोट कर लिया ठीक है अब जब स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो स्ट्रेस डायग्राम क्या लिखोगे ई इन टू राइट तो जब आप वुड के रीजन में थे तो वुड के रीजन में स्ट्रेट बनाया क्योंकि आपका ई e कॉन्स्टेंट था एफसाइलन वैरी कर रहा था एबसाइलन लीनियर वैरी कर रहा था वुड का स्ट्रेस भी लीनियर वैरी करेगा ये पार्ट समझ में आया एबसाइलेंट लीनियर वैरी कर रहा था वुड का स्ट्रेस भी क्या वैरी करेगा लीनियर वैरी करेगा इज इट क्लियर इज इट क्लियर बोलो मेरे दोस्त ये पॉइंट क्लियर है अब आगे सुनो अब आगे सुनो अगला पॉइंट क्या बोलता है अगला पॉइंट क्या बोलता है सुनो अगला पॉइंट बोलता है जैसे हम वुड से स्टील में गए स्ट्रेन तो वही है जैसे हम वुड से स्टील में गए स्ट्रेन तो वही है लेकिन ई बढ़ गया अगर ई बढ़ गया तो सिग्मा भी बढ़ गया तो वो बड़ा कैसे वो सडन बड़ा वो सडनली बढ़ गया वो सडनली बढ़ गया ठीक है तो बढ़ गया वो अब मेरे दोस्त आप स्टील में ही बढ़ते जा रहे हो तो ई तो कॉन्स्टेंट है सिग्मा बराबर ई इंटू एबसाइलन ई तो कॉन्स्टेंट है लेकिन एफसाइलन बढ़ रहा है तो एफसाइलन कैसे बढ़ रहा है लीनियर बढ़ रहा है तो अगर एफसाइलन लीनियर बढ़ेगा तो सिग्मा भी तो लीनियर बढ़ेगा और मैक्सिमम कहां मिलेगा सरफेस पे मिलेगा मैक्सिमम कहां मिलेगा सरफेस पे मिलेगा इज इट क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी वन बोलो यार इज इट क्लियर टू एवरी वन मजा आया कि नहीं आया मजा आया कि नहीं आया यस yes. मजा आया आग लग गई आग आग लगी मैं बोला ना मेरी क्लास की एनर्जी तुम्हारे प्रेजेंस से डिपेंड करता है मेरी क्लास की एनर्जी तुम्हारे प्रेजेंस पे है. अगर तुम्हारा प्रेजेंस है तो मेरा एनर्जी इस लेवल पे होगा ठीक है तो प्लीज आपसे एकदम रिक्वेस्ट है शेयर करते रहो मेरे दोस्त ठीक है प्लीज कीप शेयरिंग जितने भी आप ग्रुप्स में हो शेयर कर दिया करो क्या फर्क पड़ेगा यार ठीक है चलो नाउ माय डियर फ्रेंड देखो सिग्मा वुड मैथ्स आपको कुछ पॉइंट्स पॉइंट जो हम नोट कर रहे हैं सिग्मा वुड मैथ्स इज इक्वल टू ई वुड इनटू एबसाइलंक कंप्रेशन लेटेस्ट से हम यहां वाला पार्ट ले रहे हैं और सिग्मा स्टील इज इक्वल टू ई स्टील इन टू कंप्रेशन सुनना बहुत ध्यान से जो बात बोलना जा रहे सुनना बहुत ध्यान से जो बात बोलना जा रहे अब मेरे दोस्त अगर हम ये रेशियो लें अगर हम ये रेशियो लें डेट इज सिग्मा सिग्मा स्टील सिग्मा स्टील बाय सिग्मा वुड मैथ्स सिग्मा स्टील बाय सिग्मा वुड मैथ्स तो ये क्या हो जाएगा क्या ये ई स्टील बाय ई वुड होगा क्या और क्या ये मॉड्यूलर रेशियो के बराबर होगा क्या क्या ये मॉड्यूलर रेशियो के बराबर होगा क्या क्या ये मॉड्यूलर रेशियो के बराबर होगा क्या थैंक यू सो मच अभी राइट right. क्या ये मॉड्यूलर रेशियो के बराबर होगा क्या तो अगर ये होगा तो क्या आप सिग्मा स्टील बराबर सिग्मा वुड मैथ्स इनटू एम लिख सकते हो क्या सिग्मा स्टील बराबर सिग्मा वुड मैथ्स इन टू एम लिख सकते हो क्या बोलो हा या ना कैन यू राइट दिस सिग्मा स्टील बराबर सिग्मा वुड मैथ्स इन टू एम लिख सकते हो टेल मी यस और नो कैन यू राइट इट कैन यू राइट इट कैन यू राइट इट यस नाउ डियर फ्रेंड नाउ डियर फ्रेंड एक चीज ऑब्जर्व करना ये जो दोनों स्ट्रेस है ये सेम लेवल पे बात की है मटेरियल अलग अलग है लेवल सेम है ठीक है अब मेरे दोस्त अगर तुमको सिग्मा स्टील पता है तो क्या तुम सिग्मा स्टील मैथ्स निकाल सकते हो अगर तुमको सिग्मा स्टील पता है तो क्या तुम सिग्मा स्टील मैथ्स निकाल सकते हो देखो तो ये दूरी ये दूरी है डी बाई टू और ये दूरी है तुम्हारा टी ये लीनियर वेरिएशन है दिस इज लीनियर वेरिएशन तो सिग्मा स्टील आपके डी बाई टू दूरी पे है सिग्मा स्टील मैथ्स आपके डी बाई टू प्लस के दूरी पे है डी बाई टू प्लस के दूरी पे है तो क्या हम लिख सकते हैं सिग्मा स्टील मैथ इक्वल टू सिग्मा स्टील डिवाइडेड बाई डी बाई टू इन टू डी बाई टू प्लस टी लीनियर वेरिएशन लीनियर वेरिएशन बोलो हाँ या ना कैन ए राइट दिस कैन ए राइट दिस कैन ए राइट दिस बोलो मेरे दोस्त क्या हम लिख सकते हैं क्या हम लिख सकते हैं क्या हम लिख सकते हैं यस कैन ए राइट कैन ए राइट दिस कैन ए राइट दिस न ए राइट दिस ऑब्जर्व करो सोचो होगा कि नहीं होगा लीनियर वेरिएशन है इट इज अ लीनियर वेरिएशन माइ डियर फ्रेंड इट इज अ लीनियर वेरिएशन माई डियर फ्रेंड्स तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या हम ऐसा लिख सकते हैं नाउ नाउ जस्ट फोकस यर तो अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपके क्वेश्चन में सिग्मा वुड मैथ्स और एम दे दे अगर आपके क्वेश्चन में सिग्मा वुड मैथ्स और एम दे दे तो क्या आप सिग्मा स्टील और सिग्मा स्टील मैथ्स निकाल सकते हैं तो क्या आप सिग्मा स्टील और सिग्मा स्टील मैथ्स निकाल सकते हैं बोलो हाँ या ना कैन यू फाइंड सिग्मा स्टील एंड सिग्मा स्टील मैथ्स अगर आपके क्वेश्चन में सिग्मा वुड मैथ्स और एम दिया है तो क्या आप सिग्मा स्टील और सिग्मा स्टील मैथ्स निकाल सकते हैं एकदम चलो निकल जाएगा गुड वी विल बी एबल टू फाइंड इट नाउ मेरा मेन पर्पस क्या था व्हाट इज माय मेन पर्पस टू फाइंड द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी व्हाट इज द मेन पर्पस टू फाइंड द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आर मेन पर्पस वाज टू फाइंड द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी आर मोइन पर्पस वॉज टू फाइंड द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी जो तुम निकाल रहे हो फॉर क्रॉस सेक्शन, दैट इज सम ऑफ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वुड प्लस सम ऑफ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी फॉर स्टील बोलो या ना मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ वुड एंड मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ स्टील राइट तो अब देखो यहां पे सब लोग भाई वुड का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा वुड में जो क्रॉस है वो ऐसा है वुड का जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है वुड का जो क्रॉस सेक्शन है कुछ इस तरीके का है कि ये आपका बी सॉरी ये आपका बी ये आपका डी एंड दिस इज योर न्यूट्रल एक्सेस और आपको सिग्मा वुड मैथ्स दिया हुआ है आपको सिग्मा वुड मैथ्स दिया हुआ है तो व्हाट इज द एम वुड व्हाट इज द एम वुड एम वुड क्या होगा व्हाट विल बी एम वुड टेल मी फर्स्ट वट विल बी एम वुड एम वुड क्या लिखेंगे इट विल बी नथिंग बट सिग्मा वुड मैथ्स इन टू बी डी स्क्वायर बाई सुड बी एम वुड बोलो यही होगा रेटाउलर क्रॉस सेक्शन है रेटाउलर क्रॉस सेक्शन है सिग्मा वुड मैथ्स इंटू बी डी स्क्वायर बाई सिक्स डेट विल बी एम वुड ये हो जाएगा आपका एम वुड होगा क्या होगा क्या <coughs> यस एकदम होगा अब मेरे दोस्त हमको बात करना है स्टील तो समझोगे ध्यान से समझोगे ध्यान से जो अपना स्टील है जो अपना स्टील दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ है देखो ऑब्जर्व करना सब लोग एक बार में समझ में आएगा जो आपको स्टील दिया हुआ है वो वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है बोलो दिया हुआ है क्या जो अपना स्टील दिया हुआ है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है ये तुम्हारा तो तो न्यूट्रल एक्सिस है दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस और आपको इस स्टील का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बताना है आपको इस स्टील का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बताना है बोलो हाँ ना बोलो या हाँ ना राइट राइट तो अब मेरे दोस्त देखो हाउ टू सॉल्व दिस हाउ टू सॉल्व दिस हाउ टू सॉल्व दिस हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे हम पहले इतना का मतलब मतलब हम पूरे डेप्थ डेट इज डी प्लस टू टी इस पूरे का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस तो वही रहेगा न्यूट्रल एक्सिस वही रहेगा तो इस पूरे का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा इस पूरे का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा यस yes. इस पूरे का मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा देखो इस पूरे के लिए सरफेस पे आपके पास था सिग्मा स्टील मैक्स सरफेस पे आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस था दैट इज सिग्मा स्टील मैक्स तो क्या लिखेंगे सिग्मा स्टील मैथ्स इनटू बी इंटू डी प्लस टू टी का होल स्क्वायर बाई सिक्स डी प्लस टू टी का होल स्क्वायर बाई सिक्स मी यस और नो इस पूरे के लिए इस पूरे के लिए इस पूरे के लिए अब मेरे दोस्त अगर हम इसमें से ये वाला पोर्शन काट दें ये वाला पोर्शन का बेंडिंग मोमेंट काट दे ये वाला पोर्शन का बेंडिंग मोमेंट काट दे तो आपको नहीं लगता कि जो बचा हुआ एरिया आया जो बचा हुआ एरिया आया वो वही आया जिसके लिए आपको निकालना था जो बचा हुआ एरिया आया वो वही आया जिसके लिए आपको निकालना था कमॉन टेल मी फर्स्ट, यस और नो यस और नो तो अब मेरे दोस्त ये जो एक्स्ट्रा एरिया हमने लिया था वो कट करना ये पार्ट कट करना तो इस पार्ट का डायमेंशन हमको पता है बी और डी ठीक है इस पार्ट में जो मैक्सिमम स्ट्रेस है डेट इज सिग्मा स्टील डेट इज सिग्मा स्टील डेट इज सिग्मा स्टील डी दूरी डी बाई टू दूरी पर सिग्मा स्टील था सो डैट इज सिग्मा स्टील तो यहां क्या लिखेंगे माइनस सिग्मा स्टील इंटू बी डी स्क्वायर बाई सिक्स हो गया बस हो गया हो गया इज इट क्लियर इज इट क्लियर कम ऑन टेल मी फास्ट एनी डाउट प्लीज आस्क एनी डाउट प्लीज आस्क एनी डाउट प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट प्लीज आस्क एवरी वन इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पार्ट प्लीज आस्क यस इट्स क्लियर टू एवरी वन इट्स क्लियर टू एवरी वन सर देन कंसीडर डी प्लस टू टी सेक्शन इज अ कंप्लीट सेक्शन राइट यस एकदम एकदम हमने डी प्लस टू टी जो लिया वो कंप्लीट क्रॉस सेक्शन लिया है और उसमें से हमने ये एक्स्ट्रा पार्ट कट किया है ताकि हमको ऐसा पार्ट मिले एकदम सही बात है एकदम सही, सही बात है अर्जुन ठीक है मजा आया मजा भाई कॉन्सेप्ट जब पढ़ते हो ना तब मजा आता है अब मैं लिटरली बोलूं ये सब पार्ट जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है अब मैं तुमको लिटरली बोलूं ये सब पार्ट कोई जल्दी पढ़ाता नहीं है तो आपको एम वुड मिल गया एम स्टील मिल गया अब आप मैक्सिमम मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकाल लो आपको एम वुड मिल गया एम स्टील मिल गया अब आप मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी निकाल लो एकदम एक बार पूरे का निकाल लिया उसके बाद जो एक्स्ट्रा पोर्शन लिया उसका निकाल लिया दोनों को कट कर लिया अब ऐसा क्यों कर पाए क्योंकि तो दोनों जो पूरा लिए जो कट लिए दोनों का एक्सिस से सेम है इसलिए हम ऐसा कर पाए अगर दोनों का एक्सिस से सेम नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते इज इट क्लियर इज इट क्लियर इज इट क्लियर तो ये एक मेथड है दिस इज मेथड नंबर वन 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 इज इट क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी वन यस यस क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको चलो नाउ माई डियर फ्रेंड्स वी आर मूविंग टू मैथड नंबर टू वी आर मूविंग टू मैथड नंबर टू डैट इज इक्वालेंट एरिया मैथड इक्वालेंट एरिया मैथड क्वालेंट एरिया मैथड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दट इज इक्वाल एरिया मैथड अब इसमें क्या करते हैं हम लोग वट वी डू वी कन्वर्ट द्रॉस सेक्शन मतलब इमेजिनरी है फॉर दिसरियल इस पूरे क्रॉस सेक्शन को एक मैटेरियल में कन्वर्ट कर देंगे या तो पूरे को वुड में कन्वर्ट कर देंगे या तो पूरे को स्टील में कन्वर्ट कर देंगे आइदर आई विल कन्वर्ट द एंटायर क्रॉस सेक्शन इन द वुड और आई विल कन्वर्ट एंटायर क्रॉस सेक्शन इन द स्टील इज इट क्लियर इज इट क्लियर तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वालेंट वुड सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वालेंट वुड सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वालेंट वुड तो इक्वालेंट वुड बनाना है क्वालेंट वुड बनाना है देखो यहां पे ध्यान से वुड को एज इट इज बना दो पहले ये डी ये बी अब मेरे दोस्त जब आप इक्वाल यूज करोगे तो ये ध्यान रखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ठीक है अगर मान लो आप स्टील को वुड में कन्वर्ट कर रहे हो सपोज स्टील को आप वुड में कन्वर्ट कर रहे हो ठीक है बात समझे अगर आप स्टील को वुड में कन्वर्ट कर रहे हो ठीक है तो स्टील वुड से स्टील वुड से स्टील वुड से स्ट्रांगर है स्टील वुड से स्ट्रांगर है कितने टाइम स्ट्रांगर है एम टाइम्स स्ट्रांगर है एम टाइम्स स्ट्रांगर है स्टील वुड से एम टाइम्स स्ट्रांगर है बोलो हाँ या ना स्टील इज स्ट्रांगर देन वुड बाय एम टाइम्स है तो आप जब स्टील को वुड में कन्वर्ट करोगे तो जो इनर्शिया स्टील का होगा जब वो वुड में कन्वर्ट होगा तो एम टाइम्स आई स्टील यूज करोगे एम टाइम्स आई स्टील यूज करोगे ताकि वो वुड के बराबर हो सके ताकि उतना वुड यूज हो सके ताकि उतना वुड यूज हो सके सिंपल से एग्जांपल दे रहे मान लो किसी एक वजन को उठाने के लिए सौ लोग चाहिए मतलब सौ किलो का वजन उठाना है सौ किलो का वजन उठाना है ठीक है दो आदमी जरूरत था पचास किलो पचास किलो का दो आदमी चाहिए था ठीक है पचास किलो पचास किलो का दो आदमी चाहिए था अब मेरे दोस्त मेरे पास पचास किलो फिफ्टी के जी फिफ्टी के जी का दो आदमी चाहिए था टू लिफ्ट हंड्रेड के जी टू लिफ्ट हंड्रेड के जी मुझे पचास पचास का दो आदमी चाहिए था लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ मेरे पास पच्चीस किलो का आदमी है मेरे पास पच्चीस किलो का आदमी है ठीक है तो ये पच्चीस किलो का आदमी पचास किलो से कितना टाइम कम है पच्चीस किलो का आदमी पचास किलो से कितना टाइम कम मतलब पच्चीस किलो लिफ्ट करने वाला आदमी पचास किलो से कितना कम स्ट्रेंथ रखता है दो गुना टू टाइम्स तो अगर टू टाइम्स कम रखता है तो पच्चीस पच्चीस का दो आदमी चाहिए होगा पच्चीस पच्चीस का दो आदमी चाहिए होगा बोलो हाँ या ना यस हमको 25, 25 का टू पीपल चाहिए होगा टू रिप्लेस देम टू रिप्लेस यस तो जहां दो मिल रहा था वहां पे हमको चार लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पच्चीस किलो कैपेसिटी वाला ही आदमी है समझ में आया समझ में आया तो अब इसको कंपेयर करो स्टील से ये हो गया तुम्हारा स्टील और ये हो गया तुम्हारा वुड ठीक है और ये हो गया तुम्हारा एम समझ में आया समझ में आया तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि जब आप स्टील को वुड में कन्वर्ट करोगे जब आप स्टील को वुड में कन्वर्ट करोगे तो जितना टाइम वो कमजोर है उतना इनर्शिया उसका ज्यादा लोगे जब आप कन्वर्ट कर रहे हो उतना इनर्शिया आप ज्यादा लोगे जब आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो इज इट क्लियर इज इट क्लियर इज इट क्लियर आप जब इसको वुड में कन्वर्ट करोगे जब स्टील को वुड में कन्वर्ट करोगे तो वहां पे आप वुड का जो इनर्शिया लोगे वो एम टाइम्स होगा क्यों क्योंकि वुड स्टील से एम टाइम्स कमजोर है यस वुड स्टील से एम टाइम कमजोर है इज इट क्लियर तो अब मेरे दोस्त अब मेरे दोस्त आपके पास आई स्टील था बीटी क्यूब बाई ट्वेल्व आपके पास आई स्टील था बीटी क्यूब बाई ट्वेल्व तो जब आप स्टील को वुड में कन्वर्ट किए तो आपको कितना एरिया चाहिए आपको कितना एरिया चाहिए एम टाइम्स बी डी क्यू बाई ट्वेल्व यस तो किसको चेंज करे तो किसको चेंज करे किसको को चेंज करे को चेंज करे डेप्थ को चेंज करे किस को चेंज करे वृत्त को चेंज करे देंज करे बोलो यार किसको चेंज करना चाहिए किसको चेंज करना चाहिए वृत को या डेप्थ को 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 या डेप्थ टेल मी टेल मी रे बाबा टेल मी वे विल बी चेंजिंग द width obviously b will be changing the width हम किसको change कर रहे होंगे हम width को change कर रहे होंगे b will be changing the width is it clear to all is it clear to all come on reply fast yes. तो हमने क्या किया हमने विट को बदला क्यों बदला क्योंकि मेरे को इनर्शिया को एम टाइम्स करना है और अगर मेरे को इनर्शिया को एम टाइम्स करना है तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि हम वृत्त को बदले को नहीं बदले और ये पूरा क्या बन गया इक्वालेंट वुड बन गया ये पूरा क्या बन गया इक्वालेंट वुड बन गया अब तुम जिंदगी में पूछ के बताना किसी से भी अगर तुम पढ़े हो कि ये कॉन्सेप्ट कभी तुमको पता चला था क्या यस yes, ये कॉन्सेप्ट कभी भी पता चला है। बहुत बच्चे हैं जो पहले पढ़ के बैठे हैं ये सब बहुत बच्चे हैं जो फ्री स्विम पढ़ के बैठे होंगे राइट right? या पहले कहीं ना कहीं पढ़े होंगे तो सच सच बोलना ये कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा है क्या यस yes. यस yes. बोलो मेरे दोस्त बोलो मेरे दोस्त इज इट क्लियर तो विड को क्यों चेंज करेंगे ये समझ में आ गया

डिवाइडेड बाई वाई मैथ बस खत्म यहां से आप आप निकाल निकाल लोगे लोगे से एक लो एक बार आपका गया, एक बार आपका आपका बन बन गया गया तो भाई फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो आप आई न्यूट्राइस बाई वाई जेड निकाल लो और सिग्मा वुड मैथ से मल्टीप्लाई कर दो आ गया आंसर आ गया आंसर आ गया आंसर इज इट क्लियर तो मैंने सिंपल सा बोला जब आपने स्ट्रॉन्गर से वीकर में कन्वर्ट किया मतलब आपको एम टाइम्स ज्यादा इनर्शिया चाहिए एम टाइम्स ज्यादा इनर्शिया के लिए क्या कर रहे हैं हम को चेंज कर रहे हैं वी आर नॉट चेंजिंग द डेप्थ डेप्थ क्योंकि चेंज करेंगे तो इनर्शिया मेरा क्यूब हो जाएगा इज इट क्लियर तो हमने बिट को चेंज किया अब जब विध को चेंज किया कि तो पूरा मैटेरियल एक का बना हुआ है तो अगर पूरा मैटेरियल मतलब पूरा क्रॉस सेक्शन एक मैटेरियल का बना हुआ है फिर तो डायरेक्ट फॉर्म अप्लाई कर दो ना फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना यस बेटा आप स्टील को वुड में कन्वर्ट हो। आप स्टील को वुड में कन्वर्ट कन्वर्टिंग द स्टील टू वुड तो स्टील इज अ स्ट्रांगर वुड इज अ तो ऑब्वियसली जब स्ट्रोंगर से बीकर में ले जाओगे जब स्ट्रॉन्गर से बीकर में ले जाओगे तो जितना टाइम्स कमजोर है उतना टाइम्स ज्यादा मेटेरियल चाहिए होगा जितना टाइम्स कमजोर है उतना टाइम ज्यादा मेडिकल चाहिए होगा सर सिर्फ ऊपर बढ़ ले है क्या नहीं नहीं बढ़ सकते आपका ऊपर नीचे दोनों स्टील है तो दोनों को आपको चेंज करना पड़ेगा ऊपर नीचे दोनों स्टील आपको दोनों को चेंज करना पड़ेगा इज इट क्लियर इज इट क्लियर सो दिस इज योर इक्वालेंट वुड ये आपका इक्वालेंट वुड है अच्छा मान लो हम इसको बनाते इक्वालेंट स्टील तब क्या होगा अगर मान लो हम इसको बनाते स्टील तब क्या होगा अगर हम इसको इक्वाल स्टील बनाते हैं तो ये वाला पोर्शन तो वही रहेगा ये वाला पोर्शन तो वही रहेगा मतलब ये बी ए टी ये बी ए टी इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा लेकिन वुड वाले में क्या होगा बताओ वुड स्टील में कन्वर्ट हो रहा है वुड इज कन्वर्टिंग टू स्टील वुड इज कन्वर्टिंग टू स्टील सो अट्रांगर स्ट्रोंगर इज कन्वर्टेड टू वीकर तो अगर इसका इनर्जिया आई है तो जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे अगर अगर सॉरी उल्टा लिख दिया ना आप वीकर को स्ट्रोंगर में कन्वर्ट कर रहे हो वीकर को स्ट्रांगर में कन्वर्ट कर रहे हो मतलब वीकर मैटीरियल को रिप्लेस कर रहे हो बाय द स्ट्रांगर मैटेरियल तो अगर वीकर मेटेरियल को स्ट्रॉन्गर से रिप्लेस कर रहे हो तो अगर वीकर का इनर्शिया आई है तो स्ट्रॉन्गर का इनर्शिया क्या होना चाहिए एम टाइम्स ज्यादा या एम टाइम्स कम एम टाइम्स ज्यादा या टाइम्स टाइम्स कम M times कम हो जाएगा? I by M हो जाएगा जाएगा बोलो या हाँ ना और अगेन आई बाई एम होगा तो बीच वाला जो सेक्शन था उसका विट्थ कम हो जाएगा उसका विड्थ कम हो जाएगा और वो वैल्यू क्या हो जाएगा डेट इज बी बाई एम और ये हो गया तुम्हारा डी बी बाई एम और ये हो गया तुम्हारा एकदम वेब वे, वे, थिन हो जाएगा थिन थिन हो जाएगा पतला हो जाएगा यस यस वेब थिन हो जाएगा जय भाई आपको एक बात हम बताते हैं आई एम हेड ऑफ दिस चैनल यस नो जय इस चैनल का हेड कौन है हु इज द हेड ऑफ दिस चैनल एंड मैंने एक बात बहुत क्लियर बोला है कि ऑन दिस चैनल ये मैंने स्टार्ट से बोला हुआ है जब हम मई में शुरू किए थे नॉट इवन अ सिंगल वीडियो विल बी प्राइवेट आई प्राइवेट विल बी मेड प्राइवेट नॉट इवन अ सिंगल वीडियो विल बी मेड प्राइवेट ये मेरा स्टूडेंट से कमिटमेंट है राइट right? ये मेरे सारे स्टूडेंट से कमिटमेंट है कि नॉट इवन अ सिंगल वीडियो विल बी मेड प्राइवेट और जिस दिन ऐसा हुआ आई विल बी नॉट देर जिस दिन ऐसा हुआ मैं नहीं रहूंगा ठीक है।, है तो मेरे दोस्त मैं आपके साथ हमेशा हूं ये बात हमेशा याद रखना ये बात हमेशा याद रखना और इस चैनल पर नॉट इवन अल वीडियो विल बी मेड प्राइवेट इज इट क्लियर टू ऑल ये आपके सर का वादा है आपको ये आपके सर का वादा है ये आपके सर का वादा है ठीक है तो ये जो भी आपके अफवाह उड़ते हैं यह सब बंद कर दू ठीक है मेरे दोस्त ये सब बंद कर दो ये सब भाई हम लोग पहले बोल चुके हैं कि ना कोई वीडियो डिलीट होगा ना हम आपके से कहीं दूर जाने वाले तो क्यों टेंशन लेता है मेरे दोस्त वी, वी आर मेकिंग इट अ वन स्टॉप सॉल्यूशन वी आर मेकिंग वन स्टॉप सॉल्यूशन और उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए राइट तो ये सब मत लाया करो यार इरिटेट कर देता है क्लास में ठीक है कोई कुछ बोल दिया तुम लेके आ गए पता नहीं क्या बोल दिया चलो यहां ध्यान दो यहां ध्यान दो देखो यहां पे प्लीज एवरीवन फोकस यार यार यहां तो अब हम क्या बोले कि आप बीकर को रिप्लेस कर रहे हो बाय द स्ट्रॉगर मटेरियल तो बात है जब को रिप्लेस करो जैसे मान लो आपको पचास किलो का वजन उठाना था ठीक है आपके पास पच्चीस पच्चीस किलो का दो आदमी था ठीक है तो यहां पे आपको दो आदमी चाहिए था लेकिन अगर हमको 50 किलो वाला आदमी मिल गया तो हम दो को का लेंगे हम एक ही को लेंगे ना हा या ना क्योंकि मेरे को 50 किलो ही उठाना है तो हम 50 किलो के अनुसार एक आदमी को उठा लेंगे हम कल दो आदमी को उठाएंगे तो हमको एरिया कम करना पड़ेगा इनर्शिया कम करना पड़ेगा कम कर दो इनर्शिया कम कर दो इनर्शिया कम कर दो इनर्शिया यस राइट इज इट क्लियर टू ऑल ज इट क्लियर टू एवरी वन बोलो मेरे दोस्त ये पॉइंट समझ में आया अब अगेन अगर यह पूरा स्टील बन गया अब अगेन ये पूरा स्टील बन गया तो मेरे दोस्त एम स्टील इज इक्वल टू विक स्टील मैथ्स इन टू योर आई न्यूट्रल एसिस जो निकालोगे तुम अपॉन वाई मैथ्स जो आपका मैक्सिमम दूरी आएगा फ्रॉम द न्यूट इज इट क्लियर टू ऑल यस इज इट क्लियर टू एवरी वन बोलो मेरे दोस्त अरे बोलो यार अरे ये का टेंशन मत लो मैं बोल रहा हूं ना मैं करा दूंगा ठीक है मैंने आपको कमिटमेंट किया करा दूंगा फेब में क्योंकि गेट एग्जाम था इसलिए हमने लॉन्च नहीं किया बहुत बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम था बच्चों ने बोला सर प्लीज इस मंथ मत कराना बहुत बच्चों का सेमेस्टर एग्जाम है तो हम लोग जैसे मार्च में हम लोग फ्री होंगे हम सब करेंगे क्लासेस तो इसलिए मैंने रोका है इज इट क्लियर प्लीज टेंशन मत लो वेन यू आई एम हियर ठीक है लेकिन आपके लिए मैंने एक सब्जेक्ट शुरू भी किया था आपके लिए मैंने सब्जेक्ट शुरू भी किया था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी आपके लिए मैंने सब्जेक्ट शुरू भी किया था एनवायरमेंट शुरू चल रहा है वो मृगान सर ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं तीन बजे से राइट अब देखो ना पे। तो समझ में आया आप मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हो अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड द मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी Either my dear friends you can solve directly using this graph using this graph you can find it directly or you can convert in the equivalent area method आप इसको convert कर सकते हो in the equivalent area method ठीक है अच्छा अब यहाँ पे समझना बहुत ध्यान से यहाँ पे इस junction पे इस junction पे ये क्या है it is bonded ये क्या है bonded है ये बॉन्डेड है इस जंक्शन पे ये क्या है इस जंक्शन पे ये क्या है ये बॉन्डेड है राइट इट इज बॉन्डेड यस बॉन्डेड है मेरे दोस्त बॉन्डेड है बोलो हा या ना इट इज बॉन्डेड राइट नाउ डियर फ्रेंड यस नाउ डियर फ्रेंड देखो यहां पे ध्यान से देखो यहां पे ध्यान से सब लोग यहां पे ध्यान से सुनना अगर मेरे दोस्त स्प्लिंच आर बॉन्डेड आर बॉन्डेड तो समझना बहुत ध्यान से सब लोग वी हैव सीन द स्टेन डिस्ट्रीब्यूशन यस वी हैव सीन द स्ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन हमने स्ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन देखा अगर फ्लिंचज बॉन्डेड है अगर फ्लि फ्लिंचज बॉन्डेड है तो वी हैव सीन द स्ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन यस नो वी हैव सीन द स्ट्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन अगर सपोज ये फ्लिंचेस हैं, तुम देखना आज के लेक्चर में तुम्हारा प्रीवियस ईयर कितना बनने वाला है आज के लेक्चर से तुम देखना कितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम बनाओगे ठीक है बस आप लोग फॉलो करो ढंग से समझे कि नहीं समझे फॉलो करोगे सब मिलेगा अब एक गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया अच्छा रुको को चेंज करके देखते हैं ओके okay, हो गया देखो यहां पे सो द फ्लिंचेस आर बॉन्डेड देखो एवरीवन, एवरीवन ऑब्जर्व एवरीवन ऑब्जर्व ठीक सब लोग यहां पे ध्यान दोगे सब लोग यहां पे ध्यान दोगे सो so, अगर आपका फ्लिंचेस बॉन्डेड है तो बॉन्डेड में आपका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ बॉन्डेड में आपका स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ इस तरीके से हुआ बॉन्डेड में आपका जो स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो ऐसा हुआ मतलब थ्रू आउट आपका लीनियर वेरिएशन मिलेगा राइट right? थ्रूआउट आपका लीनियर वेरिएशन मिलेगा थ्रू आउट आपका लीनियर वेरिएशन मिलेगा मिलेगा मेरे दोस्त मिलेगा नाउ नाउ माय डियर फ्रेंड अगर ये अनबॉन्डेड है अगर ये अनबॉन्डेड है ये वाला पार्ट हम क्या बोले कि ये बॉन्डेड ये बॉन्डेड स्ट्रेन वेरिएशन है ठीक है ये बॉन्डेड स्ट्रेन वेरिएशन है राइट right? अगर मेरे दोस्त ऐसा हो अगर मेरे दोस्त ऐसा हो ये अनबॉन्डेड हो तब कैसा बनेगा अगर इसमें बॉन्ड नहीं हो कोई कनेक्शन नहीं हो लेयर बाई लेयर मूवमेंट अलाउड हो फिर क्या होगा कौन बताएगा हाउ विल बी द वेरिएशन हाउ विल बी द वेरिएशन कम ऑन टेल मी अगर ये बॉन्डेड नहीं हो ये वाला था ये वाला जो हम बनाए दैट इज अ बॉन्डेड स्ट्रेन वेरिएशन ये वाला हमने बनाया बॉन्डेड स्ट्रेन वेरिएशन लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं अगर इनमें बॉन्ड नहीं है तब क्या होगा अगर इनमें बॉन्ड नहीं है तब क्या होगा बहुत बढ़िया तीन बनेंगे इट विल बी लाइक इट विल बी लाइक दीज आर द इंडिविजुअल इट विल बी लाइक दीज आर द इंडिविजुअल ऐसा बनेगा देखो अगर बॉन्ड नहीं है तो ऐसा बनेगा अगर बॉन्ड नहीं है तो ऐसा बनेगा देखो सब लोग अगर बॉन्ड नहीं है तो ऐसा बनेगा समझ रहे हो ऐसा डायग्राम बनेगा क्यों अब ये तीनों इंडिविजुअल बिहेव कर रहा है ये तीनों कैसा बिहेव कर रहा है इंडिविजुअल भाव कर रहा है तो स्ट्रेन वेरिएशन फॉर नॉन बॉन्डेड क्रॉस सेक्शन फॉर नॉन बॉन्डेड क्रॉस सेक्शन इज इट क्लियर टू एवरीवन स्ट्रेन वेरिएशन फॉर नॉन बॉन्डेड क्रॉस सेक्शन ये पॉइंट समझ में आया सबको ये पॉइंट समझ में आया सबको बोलो हाँ या ना भाई क्या होगा इंडिविजुअल स्ट्रेन होने लगेगा आपको कोई मतलब नहीं होगा कि भाई मेरे क्योंकि तो है नहीं तो बॉन्ड तो रहेगा नहीं इंडिविजुअल मूवमेंट करता रहेगा इज इट क्लियर इज इट क्लियर टू ऑल बोलो मेरे दोस्त ये पॉइंट समझ में आया सबको यह पॉइंट समझ में आया सबको यस yes? अच्छा तो मान लो तुमसे हमें सवाल पूछते हैं मान लो हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं डैट एन प्लेट्स ऑफ थिकनेस टी एंड विथ बी आर अरेंज्ड अरेंज्ड इन पैरेलल at the cross section at the cross section determine the determine the ratio of their inertia determine the ratio of their inertia when they are bonded when they are bonded bonded to that

टेल मी फर्स्ट यार देखो बड़ा सिंपल है प्लेट्स लगे हुए <coughs> प्लेट्स लगे हुए एक के बाद एक एक के बाद एक सेम बिटे, सेम है थिकनेस अलग अलग है सेम बिटते थिकनेस अलग अलग है ठीक है सेम बिट मतलब बेट तो और थिकनेस सेम है बट एन नंबर ऑफ प्लेट्स है तो मान लो इतने प्लेट्स है बी टी 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 टी, टी अब एक बार कैसे जब ये बॉन्डेड है और अगली बार कैसे वेन दे आर अनबॉन्डेड सो वट इज द रेशियो वट इज द रेशियो वट इज द रेशियो एक बार आपका बॉन्ड है ये बॉन्ड बना हुआ है ये बॉन्ड है कनेक्शन बना हुआ है एन है कनेक्शन बना हुआ है यस सो वट इज देर रेशियो रेशियो क्या होगा मेरे दोस्त वट इज देर रेशियो सोच के देखो आई बॉन्डेड अगर आई बॉन्डेड लेंगे मेरे दोस्त तो ये पूरा एज अ वन यूनिट एड करेगा सो बी इंटू एन टी का होल क्यूब बाई ट्वेल्व डेट इज वॉट एन क्यूब इंटू बी इंटू टी क्यूब बाई ट्वेल्व बोलो हा या ना बोलो होगा या नहीं होगा होगा अब अगला हम बात कर रहे हैं आई अनबॉन्डेड आई अनबॉन्डेड तो मैंने क्या बोला इट विल बिहेव एज इंडिविजुअल इट विल बिहेव एज इंडिविजुअल तो एन टाइम्स बी टी का होल क्यूब बाई ट्वेल्व एन टाइम्स बीटी का होल क्यूब बाई ट्वेल्व डेट इज व्हाट एन इंटू बी टी क्यूब मतलब ये आपका दिस इज व्हाट बीटी क्यूब डिवाइडेड बाई ट्वेल्व एन टाइम्स बी टी क्यूब बाई ट्वेल्व वट इज द रेशियो वट इज द रेशियो ऑफ आई बॉन्ेड टू आई अनबॉन्डेड वट इज द रेशियो ऑफ आई बॉन्डेड टू आई अनबॉन्डेड बोलो मेरे दोस्त क्या रेशियो हो जाएगा एकदम इट इज वॉट एन क्यूब बीटी क्यूब बाई ट्वेल्व और यह क्या हो जाएगा एन बीटी क्यूब बाई ट्वेल्व डेट इज व्हाट बीटी क्यू बाई ट्वेल्व बीटी क्यूब बाई ट्वेल्व चला गया एन काट जाएगा एज एन स्क्वायर आंसर इज एन स्क्वायर इज टू वन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिस इज ऑल्स वन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज इट क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी वन वन टर्न यू फर्स्ट इज इट क्लियर टू एवरी वन दिस इज योअर क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन क्वेश्चन सॉल्यूशन इज इट क्लियर टू ऑल चलो चलो एनी डाउट अच्छा लगा सवाल मजा आया गुड अगर मजा आया तो शेयर कर देना अगर मजा आया तो शेयर कर देना अगर मजा आया तो शेयर कर देना ठीक है चलो मेरे दोस्त गुड गुड नाउ तो यहां तक क्लियर हुआ सबको फ्लिंचेस बिन अटैच टू द टॉप एंड बॉटम वेन फ्लिंचेस आर अटैच टू द टॉप एंड बॉटम यस वेन फ्लिंचेस आर अटैच टू द टॉप एंड बॉटम राइट नाउ केस नंबर टू वेन फ्लिंचेस आर अटैच आर अटैच एट द साइड्स ज आर अटैच एट द साइट जब फ्लिंचज हम कहा अटैच कर रहे साइट में अटैच कर रहे हैं तो मेरे दोस्त आपका क्रॉस सेक्शन तो वही है आपका क्रॉस सेक्शन तो वही है डैट इज वॉट बी इंटू डी दिस इज योर क्रॉस सेक्शन राइट नाउ मेड डियर फ्रेंड आई एम अप्लाइंग द्लिंच एंड आम अप्लाइंग द्लिंच अटैच एट द साइट राइट सो दिस इज थिकनेस टी दिस इज बी थिकनेस टी दिस इज बी हमेशा हम जब भी मेटेरियल एक्स्ट्रा लगाते हैं कोशिश यही होता है कि वो दूर हो न्यूट्रल एस से ज्यादा से ज्यादा पॉइंट दूर हो फ्रॉम द न्यूट ताकि मेरा मैक्सिमम जेड आए जेड मैक्सिमम मिले ठीक है जेड मैक्सिमम मिले राइट right. so when the flinches are attached at the sides when flinches are attached at the sides take care they go देखो सब लोग सो आर अटैच एट द साइड सो आई वॉन्ट टू ड्रॉ स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन आई वॉन्ट टू ड्रॉ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन राइट सो माई डियर फ्रेंड सी हियर दिस इज वुड दिस इज स्टील दिस इज ऑल्सो स्टील सो वुड एंड स्टील राइट वुड एंड स्टील राइट वुड एंड स्टील सो अब देखो यहां पे अब देखो यहां पे फॉर द एनालिसिस आप जो एनालिसिस करते हो वो किसी सेक्शन पे करते हो आप जो क्रॉस सेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन देते हो जो आप स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन देते हो वो किसी सेक्शन पे देते हो तो हम यहां पे दो सेक्शन मान रहे हैं ठीक है एक सेक्शन मान रहे हैं एच वन एच वन और दूसरा मान रहे एच टू एच टू इज इट क्लियर एक सेक्शन हम मान रहे हैं एच वन एच वन और दूसरा मान रहे हैं हम एच टू एच टू सो माई डियर फ्रेंड माय डियर फ्रेंड जस्ट ऑब्जर्व हियर जस्ट ऑब्जर्व हियर इफ आई ड्रॉ स्ट्रेन वेरिएशन एट एस इफ आई ड्रॉ द स्ट्रेन वेरिएशन एट एट्स सो इन द एचसेट्स आपको पूरे तक मिल रहा है डी तक पूरे डी तक आपको मिल रहा है स्ट्रेन मिल रहा है क्या

जो आप वेरिएशन देख रहे हो ये जो स्ट्रेन देख रहे हो जहां पे आपका पूरा वुड है ये आपको मिल रहा है एट द सेक्शन एथसेट्स दिस यू आर ऑब्जर्विंग एट द सेक्शन एस इज इट क्लियर टू ऑल दिस यू आर ऑब्जर्विंग एट द सेक्शन एथसेट्स बोलो मेरे दोस्त ये क्लियर है बिकॉज अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि प्लेन स्ट्रेस बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग ये पूरा वुड है ये पूरा वुड है तो भाई मेरे आपके पूरे दब तक आपका स्ट्रेन आएगा विच इज एच एच सेक्शन ये वाला बेटा जो वुड से पास कर रहा है यह एच वन एच वन कर दिया है ओके वेट लेट मी राइट एच वन एच वन एच वन एच वन लेटमी राइट एच वन एच वन राइट लेटमी राइट एच वन एच वन इज इट क्लियर मेरा बच्चा क्लियर है सबको मेरा बच्चा क्लियर है सबको बोलो हा या ना इज इट क्लियर टू ऑल

तो वुड के लिए क्या लिखेंगे बस सिग्मा वुड मल्टीप्लाई कर दे सिग्मा वुड के लिए ई वुड मल्टीप्लाई कर देते मेरा काम हो जाएगा ई वुड मल्टीप्लाई कर देते मेरा काम हो जाएगा बोलो या ना आई विल जस्ट मल्टीप्लाई विथ ई वुड एंड माई वर्क इज ओवर माई वर्क इज ओवर सिग्मा वुड मैथ्स इज इक्वल टू वट ई वुड इंटू एव साइलेंट कंप्रेशन मैथ्स राइट और ये आपका सिग्मा वुड मैथ्स टेंशन हो जाएगा इधर सिमिलर फॉर्म में सिमिलर फॉर्म में राइट right. नेक्स्ट अगर यही हम स्टील का बनाए यही अगर हम स्टील का बनाए तो सिर्फ पोर्शन में ही दिखेगा सिर्फ एचसे पोर्शन में ही दिखेगा यस और नो यू कैन सी दिस ओनली इन द पोर्शन एथसेट यू कैन सी दिस ओनली इन द पोर्सन एफसेट्स तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा स्टील मैथ्स ये भी क्या हो जाएगा सिग्मा स्टील मैथ्स दिस इज वॉट ई स्टील इंटू एफ साइलेंट स्टील राइट दैट इज एफ साइलेंट कंपनिशन और यह क्या हो जाएगा ई स्टील इंटू एफ साइलेंट टेंशन बोलो यहां तक कोई डाउट दिस इज सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वुड फॉर वुड और यह बन जाएगा सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्टील टेलमी यस ऑर नो यस और नो बोलो मेरे दोस्त इसमें कोई डाउट किसी को पूछ लो इसमें कोई डाउट किसी को पूछ लो भाई थ्रू आउट सेम है थ्रू आउट सेम है तो आपके स्ट्रेस वेरिएशन में कोई चेंज नहीं आएगा जैसा स्ट्रेन वेरिएशन वैसा स्ट्रेस वेरिएशन बिकॉज थ्रू आउट द सेम दैटीरियल हमको दिख रहा है एट द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एट द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एट द डिफरेंट क्रॉस सेक्शन यस एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट कोई भी डाउट है पूछ लो कोई भी डाउट है पूछ लो क्लियर है सबको क्लियर है सबको इज इट क्लियर टू एवरी वन इज इट क्लियर टू एवरी वन चलिए नाउमे डियर फ्रेंड नाउ मै डियर फ्रेंड इफ आई टॉक अबाउट एम टोटल डैट इज एम वुड प्लस एम स्टील तो एम वुड क्या लिखोगे देखो यहां पर आप सिंपल लिख सकते हो सिग्मा वुड मैथ्स सिग्मा वुड मैथ्स इंटू बी डी स्क्वायर बाई सिक्स लिख सकते हो और एम स्टील क्या लिखोगे सिग्मा स्टील मैथ्स इंटू टीबी स्क्वायर बाई सिक्स सिग्मा स्टील मैथ्स इन टू टीबी स्क्वायर बाई सिक्स और ऐसा दो है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो ऐसा दो है तो दो से मल्टीप्लाई कर दो इज इट क्लियर टू एवरी वन यस बेटा सेपरेट स्ट्रेन डायग्राम इसलिए बनाए क्योंकि जितने दब तक स्टील है उतने देख तक वुड नहीं है मतलब जितने दर तक वुड है उतने दब तक स्टील नहीं है और ये जो बनाते हो क्रॉस सेक्शन पे एक लाइन पे बनाते हो जो आप स्ट्रेस डायग्राम या स्ट्रेन डायग्राम बनाते हो वो एक लाइन पे बनाते हो वो क्रॉस सेक्शन एक लाइन पे बनाते हो एक सेक्शन पे बनाते हो इज इट क्लियर सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन टू डिफरेंट सेक्शन बिकॉज स्टील का जो डेप्थ है वो वुड के डेप्थ के बराबर नहीं है इज इट क्लियर ये पॉइंट समझ में आया ठीक है तो ये तुम्हारा मेथड नंबर वन हो गया अब अगर मेथड नंबर टू करना है पहले हमको इक्वालेंट वुड अगर बनाना है पहले अगर हमको वुड बनाना है तो क्या करेंगे तो क्या करेंगे देखो ये बी ये बी ये डी हमको क्या करना पड़ेगा स्टील के एरिया को बढ़ाना पड़ेगा हमको स्टील के एरिया को बढ़ाना पड़ेगा तो ये आपका बी है ये एम टाइम्स टी हो जाएगा एम टाइम टी ये हो गया भी। बोलो भी हाँ या ना सो दिस इज योर एंटायर वुड दिस इज योर एंटायर वुड राइट दिस इज योर एंटायर वुड राइट और अगर हम इसको स्टील में कन्वर्ट करें अगर हम इसको स्टील में कन्वर्ट करें इफ आई कन्वर्ट दिस इन स्टील तो भाई मेरे ऑब्वियस सी बात है विट को कम करना पड़ेगा विट को कम करना पड़ेगा और जब विट को कम करोगे ये हो जाएगा बी बाई एम दिस इज डी दिस इज टी बी टी बी सो दिस इज योर एंटायर दिस इज टी सो आइदर यू विल कन्वर्ट एंटायरली इन द आइदर यू विल कन्वर्ट एंटायरली इन द और यू विल कन्वर्ट एंटायरली इन द स्टी is it clear to everyone either you will convert entirely in the wood or you will convert entirely in the industry. is this point clear to all is this point clear to everyone tell me so i hope dekho iska mahatva kam hai kyon kam hai kal batayenge इसका महत्व कम है क्यों कम है कल बताएंगे ठीक है, है, है जो महत्व है इसका महत्व है प्रिंचेज अटैच to तो the top तो and bottom जिससे सवाल आता है ठीक है ना। तो मेरे दोस्त बेंडिंग का थ्योरी खत्म हो गया है कुछ नुमडिकल्स है जो मैं कल कराऊंगा तो कल आपके 10 पीएम के सेशन में कल जो आपका 10 बजे का सेशन होगा उस 10 पीएम के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डू सबसे पहले बेंडिंग का रिवीजन करेंगे सबसे पहले बेंडिंग का रिवीजन करेंगे और बेंडिंग का रिवीजन करने के बाद we are going to take numericals, we are going to solve few numericals, we are going to solve few numericals, right? we are going to solve few numericals, ठीक है? is it clear? we are going to solve few numericals तो so, ये आपका कल होगा तो so, पहले bending का revision होगा और फिर आपका फ्यू numericals हम कर रहे होंगे जो आपके बेंडिंग को concept को और स्ट्रांग बना देगा इज इट क्लियर राइट उसके बाद कल मॉर्निंग सेवन थर्टी ए एम मॉर्निंग सेवन थर्टी ए एम राइट आपका मेरे दोस्त स्पेशल क्लास है इन द मॉर्निंग सेवन थर्टी ए एम यू हैव अ स्पेशल क्लास राइट दैट इज व्हाट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ गेट एंड ई एस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक जो चल रहा है दैट इज प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने पढ़ा हुआ है तो ये टॉपिक आपका चल रहा है मॉर्निंग सेवन थर्टी है तो जिसको भी करना है सेशन आ जाओ मेरे दोस्त क्योंकि मैंने पहले बोला अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो ये सब पढ़ना बेकार है ये सब पढ़ना बेकार है यू नीड टू वॉच स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करा रहा हूं क्वेश्चन बनाने का तरीका सिखा रहा हूं शॉर्टकट सिखा रहा हूं और वो नहीं करोगे फिर वही होगा एग्जाम से पहले सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है फिर से तैयारी करनी पड़ेगी है, वो कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा तो स्पेशल क्लास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूं यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है मैं करके दे चुका हूं मैं करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे चुका हूं कोई फायदा नहीं होता कोई फायदा नहीं होता कोई नहीं देखता राइट इसलिए मैं उसको स्पेशल पे शिफ्ट कर दिया उसका कारण भी है कॉन्फिडेंस नहीं बनता है बात नहीं होता है तो उसमें क्या बात करें वहां पे क्या होता है वन वन टू होता है तो जल्दी बन जाता है सवाल राइट right? सो so, मेरे दोस्त आप लोग जो भी बच्चे अभी तक स्पेशल क्लास ज्वाइन ज्वाइन नहीं किए हो जाके करना है तो आपको सबसे पहले अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पे आपको साइन अप करने के बाद आपको कोई भी फ्री क्लास अटेंड करना आपको एक इनवाइट कोड मांगेगा दैट इनवाइट कोड विल बी बार और कोड ना ही सिर्फ आप स्पेशल क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हो क्विज भी कोई दे रहे होगे वहां भी अप्लाई कर सकते हो कॉम्बैट भी दे रहे होगे वहां भी अप्लाई कर सकते हो कोई भी टेस्ट दे रहे होगे वहां भी अप्लाई कर सकते हो ठीक है तो अगर आप प्लस लेते हो इफ यू टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन तो मेरे दोस्त फॉर द प्लस आइदर यू कैन टेक फॉर ट्वेल्वीन मंथ मंथ और ट्वेंटी फोर मंथ यूज इन द कोड ऑफ भार टेन और या तो तुम आइकॉनिक अगर लेते हो होथ अ डेडिकेटेड मेंटर न ज्वाइन फॉर ट्वेल्व और ट्वेंटी फोर मंथ अपलाइंग द सेम कोड राइट और सारे नोट आपको अवेलेबल होते हैं और यह मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है जहां अपने डाउट और कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हो ठीक है विच इज पब्लिक फॉर ऑल राइट एंड ऑन द फेसबुक टेन थाउजेंड प्लस आर देर सो कैन पोस्ट याउट देयर ऑल्सो एंड हम सिर्फ सिविल में ही नहीं मचा रहे मेरे दोस्त मैकेनिकल हो जो नेगी सर लीड कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल हो जो गोयल सर लीड कर रहे हैं गेट इंग्लिश हो जहां पे सिर्फ इंग्लिश की क्लासेस चलती है कंप्यूटर साइंस हो गेट क्वेश्चंस हो या इलेक्ट्रिकल जंक्शन हो एट ऑल द प्लेसेस वी आर डूइंग द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच सो कीप लाइकिंग दीडियो शेयरिंग द वीडियो मेरे दोस्त ठीक है अगर आपको पसंद आता है तो जरूर शेयर किया करो क्योंकि आपको पता है कि मेरी एनर्जी आपके प्रेजेंस पे डिपेंड करती है आप भले ही रिकॉर्डेड देखते हो गे. ठीक है लेकिन मेरे दोस्त जो लाइव में वो प्रेजेंस होता है जो इंट्रैक्शन होता है उसकी एनर्जी ही सब कुछ होती है राइट और वही तुम रिकॉर्डेड में देखते हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो कोशिश करो लाइव आने का और दोस्तों के साथ शेयर करो राइट सो डू सब्सक्राइब द चैनल माई डियर फ्रेंड जो बच्चे नए आए हो और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आपको कंटिन्यूअस नोटिफिकेशन मिलता रहे राइट थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर गुड नाइट मिलते हैं मॉर्निंग में The GATE ESE civil engineering exam may be tough, the syllabus may be vast, but with the right guidance, strategies, in depth topic wise analysis, and structured course material, you can crack it. Crack civil engineering for GATE ESE with Unacademy's dream team of top educators. Get started.